गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 99 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 29 वर्षीय महिला और एक 35 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,716 हो गई है। इनमें से 292 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,998 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 1426 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि अगर शहर की बात करें तो 55 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 11 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 9, कैंट थाना में 9, कोतवाली में 10, गुलहरिया में 4, चिलुआताल में 2, रामगढ़ ताल में 6, तिवारीपुर में 4 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 32 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 11, खोराबार में 1, खजनी में 1, बांसगांव में 3, कैंपियरगंज में 5, पिपराइश में 1, गोला में 2, कौड़ीराम में 2, भटहट में 1, जंगल कौड़िया में 1, उरवा में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 12 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।